घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, इनमें इतना दम नहीं है, ये नहीं कर सकते। ये इन्होंने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, ये आवाज बहुत करते हैं, मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है। नफरत को फैलाना, हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, बट कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत की, कि नफरत का कारण अन्याय है। कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है। मनरेगा से गरीब व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है और दूसरी तरफ 20-25 लोग हैं उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है, उनकी आदत नहीं बिगड़ रही, वो उसको पता नहीं विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। बीजेपी ये काम कर ही नहीं सकती क्योंकि उनका तरीका सेंट्रलाइज है, ऊपर से बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी रेडार की बात करेंगे, सब कुछ नरेंद्र मोदी जी से निकलता है, उनके विजन में और आरएसएस के विजन में ज्ञान एक व्यक्ति के पास है। जब हमने किसान कर्जा माफी की बात उठाई जब हम सरकार में थे तो रिस्पॉन्स मिला कि ये ठीक नहीं है, इससे किसान आलसी हो जाएगा। मनरेगा से गरीब व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है, मतलब वो काम कर रहा है उसको आप उस काम के लिए पैसा दे रहे हो और उसकी आदत बिगड़ रही है, और दूसरी तरफ 20-25 लोग हैं उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है, उनकी आदत नहीं बिगड़ रही, वो उसको पता नहीं विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान के धन को देखें और उसको ट्रैक करें तो आपको दिखेगा कि ये जो सोने की चिड़िया कही जाती है, इसका पूरा का पूरा धन किसानों से, युवाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से छीन कर ये 20, 25, 50, 200 कितने लोग हैं, ज्यादा नहीं है, इनके ओर फनल होता है। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया और इस यात्रा में हमारा फोकस उस पे था कि किस प्रकार का अन्याय हो रहा है और हर कदम पे स्टूडेंट्स के पेपर लीक हो रहे हैं, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, मजदूर को मिनिमम वेज नहीं मिल रही, छोटे व्यापारियों को जीएसटी से दबाया जा रहा है, मतलब हर स्टेप पे, हर कदम पे लोग आ रहे थे, कह रहे थे हमारे साथ ये हो रहा है। मगर कंबाइंड कॉन्शियसनेस नहीं है। मेरे पास छोटे व्यापारी आए गुजरात में, उन्होंने कहा कि जीएसटी से, नोटबंदी से हमें बहुत चोट लगी, मगर उसी डिस्कशन में जो किसान के साथ हो रहा है वो उनको दिख नहीं रहा है, वो देख ही नहीं पा रहे। तो मेरे खिलाफ जो अन्याय हो रहा है वो मुझे दिख रहा है, मगर मेरे भाई के साथ जो हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब तक आप अपने भाई के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं देखोगे तब तक कोई मूवमेंट खड़ा नहीं हो सकता। मैं जूडो करता हूं और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उसमें जब उसमें जमीन पे गिरना पड़ता है, फेंका जाता है व्यक्ति को, तो जब पहले व्यक्ति शुरू करता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जमीन पे गिरोगे तो फिर आप अपने आप की रक्षा करते हो, फिर थोड़ा एडवांस्ड होता है, फिर उसको बात समझ आती है, वो जमीन की रक्षा करना शुरू कर देता है, मतलब डोंट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट द मैट।
और बड़े मजे की बात दिखती है कि जब आप जमीन को प्रोटेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली जमीन आपको प्रोटेक्ट करती है। तो मूवमेंट कैसे बनती है? मूवमेंट जब बनती है, जब मैं अपने दर्द को छोड़कर मेरे साइड में जो खड़ा है उसके दर्द की रक्षा करना शुरू करता हूं, ऑटोमेटिकली वो मेरी रक्षा करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। तो ये एक मेंटल लीप की जरूरत है। सबको दिख रहा है कि भाई, किसान को दिख रहा है, मजदूर को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मगर एक दूसरे का दर्द नहीं दिख रहा किसी को। मेरा एक्सपीरियंस है दूसरी यात्रा का। जब मैं चल रहा था, मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि अगर हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है? क्योंकि इतना आसान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना। हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, बट कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत की। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था, और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याय है। कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है। 2-3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है, 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग हैं। उनके लिए कोर्ट्स काम करते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है, सारी इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए जगह है। बट अगर हम 90% लोगों को देखें, उनके साथ 24 घंटा अन्याय हो रहा है। 16,00,000 करोड़ रुपए 20-25 लोगों का कर्जा माफ हुआ, जीएसटी का पैसा है, जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, मगर किसानों का 1 रुपया माफ नहीं होता। बात आपको बताऊं, 3-4 महीने पहले इन्होंने हमें कहा, देखिए हमें ये जो गारंटीज हैं, हमें क्लियरली बता देना चाहिए देश को कि इंडिया संगठन, इंडिया गठबंधन आएगा तो क्या करेगा। और आज मैंने इनसे पूछा कि आप बताइए, ये जो हमने गारंटीज देश के सामने रखी हैं, इससे आप खुश हैं? तो इन्होंने कहा, मैं खुश हूं, मगर बहुत केओटिक डिस्कशन हुआ। केओटिक डिस्कशन हुआ क्योंकि ये एक्चुअली कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, खारगे जी की, इंडिया गठबंधन की गारंटीज नहीं है। ये एक्चुअली हिंदुस्तान की आवाज है, उसको हमने चुन चुन के सुन सुन के निकाला है, उसको रिफाइन किया है। बीजेपी ये काम कर ही नहीं सकती क्योंकि उनका तरीका सेंट्रलाइज है, ऊपर से बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी रेडार की बात करेंगे, सब कुछ नरेंद्र मोदी जी से निकलता है, उनके विजन में और आरएसएस के विजन में ज्ञान एक व्यक्ति के पास है, किसान के पास ज्ञान ही नहीं, मजदूर के पास ज्ञान ही नहीं है, बेरोजगार युवा को कोई समझ नहीं है। आईआईटी की डिग्री है तो पूरी दुनिया को समझ गया, ये थिंकिंग है।
इसके खिलाफ हमारी लड़ाई हो रही है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जितना उसमें ज्ञान है उतना ही ज्ञान हिंदुस्तान के किसान में है, बस दूसरे तरीके का है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, इनमें इतना दम नहीं है, ये नहीं कर सकते। ये इन्होंने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, ये आवाज बहुत करते हैं, मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है। धन्यवाद।